थोड़ा सा जिंदाबाद जिंदाबाद शहीद भगत सिंह अमर रहे। हाँ जी इधर 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 परिवार के दस्तावेज मिलते हैं तो उसमें ये उनकी जो जेल बुक नोटबुक थी जो जेल सारे मिलती है, यानी कुलबीर सिंह जी जो मेरे दादाजी हैं नवेश सिंह जी के छोटे भाई थे उनको मिलती है। 12/9/1929 से शुरू होती है ये उनके विचार है। इसको हिंदी से इंग्लिश से एक साइड किया पेज को दूसरी तरफ इसका अनुवाद कर दिया। ये तो कई बार बोला था भगत सिंह जी की सोच के अपने अपने हिसाब से लोग बना देते हैं तो खुद वो खुद क्या सोचते थे जेल के अंदर, तो इसी का एक स्कैन वर्जन करके किताब ले लिया। जैसे चाइल्ड लेबर है उसमें तब उन्होंने देखा सारी बातें जी। तो आपके हाथों से समझ रहे हमारे लिए तो आप ही है जो उस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक क्रांतिकारी नेता जो होता है जिस महकमे को आपने पकड़ा उसमें हमेशा उधार ही हुआ है, तो उस नाते हरियाणा में इसको आपसे हमने समय दूंगा मैं। हमारे तो हीरो है आप भी क्योंकि यहाँ सारे जितने भी यूथ हैं सब यही मानते हैं कि आप जो स्टैंड लेते हैं ना इंसाफी के खिलाफ, जो हम चाहते थे कि ऐसे कोई लीडर है, लाइक परिवार के आते भी बहुत खुशी होती है कि एक वहाँ पे है जो हमारे पूर्वजों के जीवन कुर्बानी का एहसास समझ रहा है और उसके लिए काम कर रहा है। बीके दर्जी के भी साइन है जिन्होंने असेंबली में उनके साथ बॉम्ब फेंका था, ये इस तरह की चीज़ें हैं जैसे काफ़ी ऐसा हिंदुस्तान वो चाहते थे, इसके रूप में उन्होंने लिखा था इसमें इसको हम करना चाहते हैं। जैसे एक वक्त उनका लाइफ में बहुत सब ज़्यादा जिंदगी का ये समझे कैसा हिंदुस्तान बने ये सब इसको प्रिजर्व करने का सारा कैमिकल आगे पेजे पाए ना हो, इसमें आपका आशीर्वाद और सारा चाहिए।